दोस्तों, सोमवार को अजरबैजान ने आर्मेनिया की सीमा के पास रूस का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसमें रूस के दो क्रू मेंबर की मौत हो गई, जिसके बाद रूस ने न केवल इस हमले की जांच शुरू कर दी बल्कि इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। लेकिन रूस की इस कड़ी प्रतिक्रिया से डरे अजरबैजान ने इस घटना पर न केवल माफ़ी मांगी है बल्कि मारे गए सैनिकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का प्रस्ताव भी दिया है। बता दें, इस बड़ी घटना के बारे में रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल के टकराने के बाद हेलीकॉप्टर अनकंट्रोल हो गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि यहां पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया था कि जिस समय हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाया गया था उस समय वो आर्मेनिया के क्षेत्र में स्थित रूस के 102वीं मिलिट्री बेस की सुरक्षा में लगा हुआ था। साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी हेलीकॉप्टर पर हमला करने वाले का पता नहीं चल पाया है और 102वीं सैन्य अड्डे की कमांड इसकी जांच कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि जिस जगह पर हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया वो नागोर्नो काराबाख में सक्रिय युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि अब घटना के बाद रूस की कठोर प्रतिक्रिया से डरे अजरबैजान ने मामले पर माफ़ी मांगी है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने अपना एक बयान जारी करके कहा है कि उसकी सेना ने आर्मेनिया बॉर्डर के पास गलती से रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, इसका उसे बहुत दुख है और वो घटना के लिए मॉस्को से खेद प्रकट करता है। वो मॉस्को को इस घटना में मारे गए क्रू मेंबर के परिवारों को मुआवजा देने के लिए भी तैयार है।